नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,45,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 86,71,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 6,06,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 11,16,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 7,00,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 27,502 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 22,600 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 15,311 अब तक रिकवर हुए हैं। 721 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,758 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,321 अब तक रिकवर हुए हैं। 62 लोगों की मौत हुई है। रविवार को निमाड़ में कोरोना का अब तक के सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। खरगोन में 52 नए संक्रमित सामने आए हैं। बड़वानी में 34 नए संक्रमित सामने आए हैं। खंडवा में 10 और बुरहानपुर में 1 नया पॉजिटिव मरीज मिला है। इस तरह निमाड़ में एक ही दिन में कुल 97 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। निमाड़ में एक ही दिन में निकले 97 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। खरगोन और बड़वानी की हालत हो रही है खराब। रविवार को निमाड़ में कोरोना का अब तक के सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। इस दिन कुल 97 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। खरगोन में रविवार को पहली किस्त में 16 और दूसरी किस्त में 36, इस तरह कुल 52 मरीजों की पुष्टि की गई। पहली किस्त में खरगोन, बड़वा, बलगवाड़ा के 3-3, झिरनिया, कसरावत, भिकनगांव व गावसन के 1-1 मरीजों के साथ ही 3 अन्य मरीज शामिल थे। जिले में अब 526 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें 359 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 16 की मौत हुई है। 191 मरीज अब भी स्थिर हैं। बड़वानी में भी पहली किस्त में 4 और दूसरी सूची में 30 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। यहां पर कुल 263 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 168 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 91 लोगों का इलाज चल रहा है। खंडवा में कुल 10 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। नए संक्रमितों में 9 संक्रमित खंडवा के हैं, जबकि 1 छनेरा से सामने आया है। नए संक्रमितों को मिलाकर जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 530 हो गई है, जबकि 386 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। 120 मरीज अभी यहां पर एक्टिव हैं, जबकि 19 की अब तक मौत हुई है। रविवार को जिले में कुल 14 नए कंटेनमेंट इलाके बनाए गए हैं, जबकि 1 कंटेनमेंट इलाके को डीनोटिफाई किया गया है। बुरहानपुर में 1 नए पॉजिटिव मरीज के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 439 हो गई है। 408 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 8 संक्रमित अब भी एक्टिव हैं। बाइक की पिछली सीट पर अब सिर्फ बुजुर्ग या महिलाओं को ही बिठा सकेंगे। खंडवा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन जी जान से जोर लगा रहा है, लेकिन खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को कलेक्टर सभागृह में आयोजित बैठक में वन मंत्री विजय शाह ने अफसरों से कहा कि सड़क पर दौड़ रहे दोपहिया वाहनों पर अब सिर्फ चालक ही नजर आए, केवल बुजुर्ग या महिलाओं को पीछे बैठने की छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय केबल टीवी पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की चर्चा आयोजित कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में नागरिकों को जागरूक किया जाए। उन्होंने नई परंपरा की शुरुआत करने को भी कहा है। इसमें सुझाव दिया है कि सरकारी बैठकों में चाय के बजाय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को काढ़ा वितरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी किए जाने की बात भी कही। ये भी कहा कि कोरोना को किसी हाल हल्के में ना लिया जाए। अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर पत्थर बरसाए तो वन अमले ने अतिक्रमणकारियों पर बरसाई गोलियां। जंगल में लकड़ी काट रहे आदिवासियों और वन अमले के बीच शनिवार देर शाम तीखी झड़प हुई, जहां आदिवासियों ने वन अमले पर पत्थरों की बरसात की तो जवाबी कार्रवाई में वन अमले ने भी हवाई फायर किए। घटना बुरहानपुर जिले के शाहपुर रेंज के जम्बूपानी बीट की है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुदामा पटेल ने बताया, जंगल में पूरी टीम गश्त कर रही थी, उसी समय लकड़ी काटने की आवाज आने पर टीम ने घेराबंदी करना चाहिए। इस पर लकड़ी काट रहे लोगों ने वन अमले पर पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। वन अमले ने अपनी जान बचाने के लिए हवा में 2 फायर भी किए। घटनास्थल से वन अमले ने 10 सागवान की सिल्लियां जब्त की हैं। इधर खंडवा के आवलिया में वन मंत्री विजय शाह ने खंडवा वनवृत्ति की बैठक में कहा कि जंगलों की सुरक्षा के लिए नाइट विजन कैमरे युक्त ड्रोन खरीदे जाएंगे। टोटल लॉकडाउन में प्रशासन हुआ सख्त,
तो लोग वही पुराने ढर्रे पर। रविवार को जिले भर में पूरी तरह लॉकडाउन रहा। खंडवा सहित हरसूद, पंधाना, छेगांव माखन, ओंकारेश्वर और मुंदी में पुलिस ने लॉकडाउन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया। बावजूद इसके लोग हरकतों से बाज नहीं आए और बिना वजह सड़कों पर घूमते नजर आए। सड़कों पर निकले लोगों का पुलिस से सामना हुआ तो कई के चालान काटे गए तो कुछ पर लॉकडाउन के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज किए गए। पंधाना में बस स्टैंड और गांधी चौक के साथ सारे शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। बाजार में बेमतलब आने वालों पर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से रोक लगाई। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया गया। प्रशासन ने एक दिन पहले ही दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी थी। रविवार को भी बुकिंग का काम बंद रहा। ओंकारेश्वर पहुंचने का प्रयास करने वाले लोगों को ग्राम कोठी के पास से ही वापस लौटा दिया गया। श्रावण मास में ओंकार पर्वत पर परिक्रमा में पुण्य के साथ लोग ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ। श्रावण मास के चलते भक्तगण श्रद्धा के साथ तड़के 4 बजे से ओंकार पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर करने निकल जाते हैं। ओंकारेश्वर और आसपास के निवासी बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के भजन करते हुए बड़ी संख्या में परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इससे समाज में एक संदेश भी जा रहा है। सुबह से शुरू होने वाली परिक्रमा से जहां धार्मिक पुण्य तो मिल रहा है, वहीं कोरोना काल में शरीर को फिट रखने के लिए ये सबसे अच्छा और मनोहारी प्रयास भी साबित हो रहा है। ओंकार पर्वत की परिक्रमा के दौरान नर्मदा और कावेरी संगम होते हुए गौरी सोमनाथ के प्राचीन मंदिर से सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर भक्तगण वापस लौट रहे हैं। ओंकारेश्वर पर्वत में हरियाली छाई हुई है और दृश्य अलौकिक रहता है। रविवार को नगर परिषद ने सफाई अभियान चलाया। CMO अखिलेश डोंगरे ने सफाई कर्मियों को भेजकर पूरे परिक्रमा मार्ग की सफाई करवाई, साथ ही परिक्रमा मार्ग के सभी विद्युत पोलों पर लैंप भी लगवाए। खंडवा में रविवार को सामने आई 2 दर्दनाक कहानियां। एक पूर्व पुलिसकर्मी दाने दाने को मोहताज, तो एक अनाज व्यापारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। खंडवा में रविवार को 2 दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। दोनों ही कहानियां ऐसी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। अपनी मां के इलाज के लिए कई साल तक सेवा में रहने वाले पुलिस का एक बर्खास्त जवान खंडवा में मिला। सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर इस जवान को जब एक आरक्षक ने देखा तो उसे पहचान लिया। अपना टिफिन उसे खिलाया और कहा कि ऐसी हालत कैसे हो गई। पूर्व आरक्षक उमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि वो पहले खंडवा सिटी कोतवाली, मोघट व ट्रैफिक थानों के बाद ब्रह्मपुर के शिकारपुरा थाने में रह चुका है। मां के कैंसर की बीमारी के लिए वो कई साल भटका। बिना सूचना दिए छुट्टी पर जाने से पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद मां भी चल बसी, बेटे ने घर से निकाल दिया तो वो सड़क पर आ गया। दूसरा मामला बीड़ के एक अनाज व्यापारी का है। बीड़ निवासी एक पत्रकार की सूचना पर बस स्टैंड पर समाजसेवी सुनील जैन नितिन जैन से मिले। नितिन जैन के पैर और पेट में दर्द था। पीड़ित ने बताया कि 7-8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक हादसे में पैर टूट गया जिससे वह विकलांग हो गया। परिवार बीड़ में अनाज का व्यवसाय करता है। अब मेरे से काम न होने के कारण घर वालों ने मुझसे दूरियां बना ली और मुझे इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मैंने अपनी पीड़ा परिजनों को भी बताई लेकिन वे लोग नहीं आए। समाजसेवी सुनील जैन ने तत्काल 108 एवं डायल 100 को पीड़ित की सहायता के लिए फोन लगाया। तो देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शब्बा खैर। शुभरात्रि।